ये जो आप अपने स्क्रीन पर आवास देख रहे हैं, दरअसल ये आवास डॉक्टर इरफान अंसारी जो कांग्रेस के विधायक हैं जामताड़ा से, उनका ये आवास है। और इस आवास पर बंगाल सीआईडी की टीम, रांची की स्थानीय पुलिस की मदद लेकर यहाँ पहुँची है और फिलहाल आवास के अंदर छापेमारी जारी है। दरअसल बंगाल सीआईडी जो कैश कांड बंगाल में हुआ था उससे संबंधित ये छापेमारी है और बंगाल सीआईडी की टीम यहाँ पहुँच गई है। आपको बता दें कि इससे पहले आज सुबह में डॉक्टर इरफान अंसारी के जमथाड़ा स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है जो तीन विधायक हैं बाकी उनके घर पे भी बंगाल की सीआईडी की अलग अलग टीम छापेमारी कर रही है। और इस ये बंगाल पुलिस की गाड़ी है, आप देख सकते हैं बंगाल पुलिस आई है और तीनों विधायक जो कैश कांड में पकड़े गए हैं उनसे उनके घर में छापेमारी की जा रही है, छानबीन की जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि उन अधिकारियों का भी बयान आपको सुनाएं कि क्या कुछ मिला और या किस क्या वजह है छापेमारी के पीछे। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो कैश कांड को लेकर बंगाल पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही है, स्थानीय पुलिस की टीम को भी बुलाया गया है। आप लोग कहाँ से हैं सर? बंगाल से नहीं, झारखंड से। हाँ। किस थाने से सर? जगन्नाथपुर थाने से। आप लोग को बुलाया गया है हेल्प के लिए। देखिए जो लोकल जगन्नाथपुर पुलिस है उसको भी बुलाया गया है और यहाँ पे छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि खिजरी के जो विधायक है राजेश कच्छप, उनके यहाँ भी ये छापेमारी जारी है। इसके अलावा जो आपके नमन विक्षल कोंगाड़ी हैं विधायक, उनके यहाँ भी ये छापेमारी जारी है। आप लोग सर भी बंगाल सीआईडी से है? अंदर में है बंगाल सीआईडी। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in